नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं रांची में रावण दहन पर जमकर आतिशबाजी मुख्यमंत्री ने दी जनता को बधाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विजयादशमी के अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से मोराबादी मैदान और श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने और मौजूद अन्य अतिथिगणों ने रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का वध कर असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय के विजय का संदेश दिया मुख्यमंत्री ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दो वर्षों के बाद इस बार सार्वजनिक रूप से दशहरा का भव्य आयोजन हुआ है पिछले दो वर्ष कोविड नाइन्टीन महामारी की वजह से दशहरा समेत तमाम पर्व त्योहार का आयोजन प्रभावित हुआ था जिस तरह सभी के सहयोग से कोरोना पर विजय प्राप्त किया उसी के फलस्वरूप आज हम सभी बुराई पर अच्छाई के लिए विजय का पर्व पूरे उमंग और उल्लास के साथ दशहरा मना रहे हैं हम मिलजुल कर इस त्यौहार की खुशियां बांट रहे हैं झारखंड में ग्यारह अक्टूबर तक बारिश झारखंड में आगामी ग्यारह अक्टूबर तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है मौसम केंद्र रांची के मुताबिक छह से ग्यारह अक्टूबर तक हल्के से मध्य दर्ज की बारिश की संभावना जताई है वहीं छः और सात अक्टूबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे की गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई है हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है मालूम हो कि बंगाल की खाड़ी से आई साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में दिखा राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में बुधवार को भी भारी बारिश हुई फीफा अंडर सत्रह महिला टीम में झारखंड की छह बेटियां शामिल ग्यारह अक्टूबर को पहला मुकाबला भारतीय महिला अंडर सत्रह टीम के मुख्य कोच थॉमस डेनेवरी ने ग्यारह अक्टूबर से भारत में होने वाले फीफा अंडर सत्रह विश्व कप के लिए ग्यारह सदस्यीय टीम की घोषणा की है मेजबान भारत को ग्रुप ए में अमेरिका मोरक्को और ब्राज़ील के साथ रखा गया है भारतीय टीम ग्यारह अक्टूबर को अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी बता दें इस टीम में झारखंड राज्य की छह खिलाड़ियों को जगह मिली है जिसमें से एक अष्टम उरांव बतौर कप्तान टीम में शामिल हैं इस बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के छह खिलाड़ी अष्टम उरांव जोगी कप्तान हैं नीतू लिंडा अंजलि मुंडा अनिता कुमारी पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की को शामिल किया गया है आरएसएस के एस के महोत्सव में जुटे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमशेदपुर महानगर इकाई ने एग्रिको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में दशमी उत्सव संघ का स्थापना दिवस मनाया जिसमें संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचालन भी किया बुधवार को हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय भी जुटे हालांकि इस दौरान मुंडा व सरजू की आपस में बातचीत हुई जबकि रघुबर से किसी की भी बात नहीं हुई संघ प्रणाम के दौरान भी रघुबर अग्रिम पंक्ति में खड़े थे जबकि मुंडा व सरजू के साथ सांसद विधुत वरण महतो रामगढ़ में ट्रक ने कई लोगों को रौंदा छह की मौत सड़क जाम झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को रौंद दिया जिसमें छह लोगों की मौत हो गई वहीं कई घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है बता दें दशहरा का उत्सव फीका पड़ गया आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद है लोगों को समझाने का सिलसिला जारी है हादसे के बाद ट्रक लेकर चालक फरार हो गया जानकारी के अनुसार ट्रक पर कोयला लदा हुआ था यह हादसा रामगढ़ जिले के बरका ओपी क्षेत्र के हेहल स्थित पेट्रोल पंप के पास रामगढ़ भोरकुंडा मार्ग पर हुआ है झारखंड के लोगों के लिए 12 अक्टूबर से सरकार देगी कई सुविधा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार इस वर्ष दिसंबर में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी इस अवसर को शानदार और यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई स्तर पर तैयारियां कर रखी है इस मौके पर हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लोगों के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है अगले सप्ताह 12 अक्टूबर से सरकार यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है इसके तहत जरूरतमंद लोगों को झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाना है इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम को सरकार को दो चरणों में शुरू करने जा रही है झारखंड में चौंसठ लाख लाभुकों को जल्द मिलेंगे साड़ी और धोती लूंगी वर्ष 2022 हज़ार में राज्य के चौंसठ पॉइंट छः नौ लाख राशन कार्ड धारकों के बीच फिर से 2.58 पॉइंट पाँच आठ करोड़ साड़ी धोती लुंगी का वितरण किया जाएगा खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है सरकार की ओर से वर्ष के प्रथम व द्वितीय चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं सरकार की ओर से एक करोड़ साड़ी सतहत्तर लाख धोती व इक्यावन लाख पीस साड़ी की खरीद होगी बता दें अक्टूबर महीने में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा सरकार ने पिछले वर्ष सोना सोब्रम साड़ी धोती लुंगी योजना की शुरुआत की थी इसके तहत राशन कार्डधारियों के बीच साल में दो बार दस दस रुपये में साड़ी धोती या लुंगी का वितरण किया जा रहा है पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से इसका वितरण किया जा रहा है रांची में बुलेट से निकले एसएसपी कौशल किशोर विजयादशमी की, की रात रांची के सड़कों पर एसएसपी किशोर कौशल बुलेट पर सवार होकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकल पड़े मौसम खराब होने की वजह से श्रद्धालु पूजा पंडालों तक नहीं पहुंच पाए थे लेकिन जैसे ही विजयादशमी को मौसम ठीक हुआ सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी इसे देखते हुए एस सुरक्षा व्यवस्था देखने निकल पड़े एसएसपी के साथ उपायुक्त भी दूसरी बाइक पर सवार होकर शहर का भ्रमण करने निकले इस दौरान एसएसपी और डीसी ने राजधानी रांची के हर एक पंडालों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था देखा हाल के दिनों में कई जगहों से शिकायतें मिली थी कि पीसीआर और थानेदार ड्यूटी में कोताही बरत रहे हैं लेकिन विजयादशमी की रात सीनियर एसपी ने इसका भी निरीक्षण किया मां से मिलने आए उग्रवादी सोनू मांझी गिरफ्तार खूंटी जिले के कुख्यात उग्रवादी सोनू मांझी को पुलिस ने रिंग रोड के टोनको बस्ती से गिरफ्तार किया है एसएसपी किशोर कौशल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हटिया डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में पुलिस ने सोनू मांझी को उनके मां के घर से गिरफ्तार किया बुधवार को बताया कि टोनको बस्ती में सोनू की माँ किराए के मकान पर रहती है सोनू अपनी माँ से मिलने गया था सूचना पुलिस को मिली और उसे घर से दबोच लिया गया पुलिस की इस कार्रवाई में एयरपोर्ट थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह तुपुदाना थाना और धुरुआ थाना के कुछ अधिकारी ने सहयोग किया रांची में धू धू कर जल उठे रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ राजधानी रांची में दो साल बाद इस बार विजयादशमी पर होने वाला रावण दहन संपन्न हुआ बुधवार की शाम धू धू कर जल उठा रावण साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी आतिशबाजी के साथ जल उठे बता दें मोराबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे इस दौरान देखते ही देखते सत्तर फीट का रावण भारी आतिशबाजी के बीच जलकर राख हो गया रावण दहन को देखने काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए रांची में इस बार पांच जगह मोराबादी अरगोड़ा एचईसी सालीमार हुंडरू और तुपुदान में रावण दहन हुआ कोल्हान और हजारीबाग में नम आंखों से मां दुर्गा को दी गई विदाई पश्चिमी सिंह के चक्रधरपुर शहरवासियों ने अपनी हठभ भक्ति से 112 वर्ष के इतिहास को बरकरार रखा बुधवार की शाम को जलते हजारों मसालों के साथ हजारों भक्तों ने आदि मां दुर्गा की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर जय दुर्गे के जय घोष के साथ पुरानी बस्ती गुड़ीचा मंदिर से पवन चौक पहुँचे इस बीच माँ दुर्गे के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पवन चौक बाटा रोड पुरानी रांची रोड शहीद भगत सिंह चौक मेन रोड चौक थाना रोड सोनुआ पुल में नम आंखों से खड़ी रहकर निराते रहे जमशेदपुर के गोविंदपुर में इक्यावन फीट ऊंचे रावण जले बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा पर दो साल बाद जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में इक्यावन फीट ऊंचे रावण के पुतले धो धोकर जल उठे वहीं गिरिडीह के बगोदर में पहली बार हुए रावण दहन में हजारों की भीड़ उमड़ी बारिश के बावजूद रावण दहन देखने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ हाथियों के चपेट में आने से बचे सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा हाथियों की चपेट में आने से बाल बाल बचे बताया गया कि बुधवार को दिन भर आधा दर्जन गांव में पैदल घूम घूम कर हाथी भगाने की सामग्री बांटने के बाद सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा देर शाम तक खुद मसाल लेकर हाथियों को भगाते हुए नजर आए इस दौरान विधायक भूषण बाड़ा बिरनी बेड़ा गांव में हाथियों की चपेट में आने से बाल बाल बच गए बता दें बुधवार की रात सात बजे विधायक भूषण बाड़ा बिरनी बेड़ा सहित जोगबहर कोबड़ा में घूम घूम कर हाथ में मसाल लेकर पैदल ही हाथियों के झुंड को भगा रहे थे इसी दौरान बिरनी बेड़ा गाँव में लगभग बाईस की संख्या में हाथियों का झुंड विधायक के बहुत करीब आ गए थे लॉन बॉल में झारखंड के सुनील बहादुर ने जीता सोना गुजरात में खेले जा रहे छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है खासकर लॉन बॉल में झारखंड की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है और गोल्डन सफरी जारी रखा बुधवार को लॉन बॉल में झारखंड की टीम ने एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल अपने नाम किया है बता दें झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ी सुनील बहादुर ने एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता वही सुनील बहादुर ने शानदार खेलते हुए बंगाल को इक्कीस छ से हराया साहेबगंज के सिद्धू कानू स्टेडियम में रावण दहन साहेबगंज के गोड़ाबाड़ी हटिया दुर्गा पूजा समिति की ओर से बुधवार की शाम सिद्धू कानू स्टेडियम में विजयादशमी पर शानदार आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया गया डीसी रामनिवास यादव सहित अन्य ने संयुक्त रूप से रावण को तीर मारकर उसका दहन किया रावण दहन से ठीक पहले हुई बारिश के बीच रावण दहन शानदार आतिशबाजी के बीच हुआ रावण दहन को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे यहां का रावण दहन क्षेत्र के लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है बता दें शहर में दो साल बाद इस बार विजयादशमी पर होने वाला रावण दहन शानदार आतिशबाजी और बारिश के बीच सम्पन्न हुआ है सरायकेला खरसावा में नम आंखों के साथ मां दुर्गा की हुई विदाई सरायकेला खरसावा जिले के सरायकेला खरसावा राजनगर सीनी समेत अन्य इलाके में बुधवार को दशहरा का पर्व श्रद्धा पूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया विजयादशमी पर लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थानीय जलाशयों में विसर्जित कर दिया इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा निकाली गई विसर्जन जुलूस में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी माँ दुर्गा के जयघोष से पूरे क्षेत्र गुंजमन था मंगल कामना और नम से श्रद्धालुओं ने माँ दुर्गा की प्रतिमा को तालाब में विसर्जित किया सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई विजयादशमी दशमी के मौके पर खरसावा के विभिन्न पूजा पंडालों में बुधवार को सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला किया खरसावा के तलशाही स्थित सेवा संघ समिति दुर्गा पूजा पंडाल बेहराशाही के दुर्गा पूजा पंडाल राज खरसावा के ठाकुरबाड़ी पूजा पंडाल रेलवे कॉलोनी व नया बाज़ार स्थित आनंद ज्ञान मंदिर पूजा पंडाल के सामने विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया महिलाओं ने पहले मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया इसके पश्चात सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया बता दें इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं मौके पर मन दुर्गा मां आशीर्वाद भी लिया इसके पश्चात कलश विसर्जित भी कर दिया गया टाटा स्टील के पूर्व एमडी की तबीयत बिगड़ी टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जे जे ईरानी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है उन्हें जमशेदपुर के टाटा मैन हॉस्पिटल में, में भर्ती कराया गया है अभी वह इंटेसिव केयर यूनिट में एडमिट हैं वह पिछले दस दिनों से बीमार चल रहे हैं बता दें डॉक्टर जे जे ईरानी को दस दिन पहले भी टी में एडमिट कराया गया था लेकिन दो दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी तीन दिन पहले उन्हें फिर से टी में एडमिट कराया गया है डॉक्टर ईरानी के हॉस्पिटल में एडमिट होने की पुष्टि टाटा स्टील कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन की ओर से नहीं की गई है असुर जनजाति महिषासुर की करती है पूजा पूरे देश में दुर्गा पूजा विजयादशमी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है तब झारखंड की असुर जनजाति के लिए अशोक का वक्त होता है महिषासुर इस जनजाति के आराध्य पितृ पुरुष हैं इस समाज में मान्यता है कि महिषासुर ही धरती के राजा थे जिनका संहार छल पूर्वक कर दिया गया यह जनजाति महिषासुर को हुड्रू दुर्गा के रूप में पूजती है बता दें नवरात्र से लेकर दशहरा की समाप्ति तक यह जनजाति शोक मनाती है इस दौरान किसी तरह का शुभ समझा जाने वाला काम नहीं होता हाल तक नवरात्रि से लेकर दशहरा के दिन तक इस जनजाति के लोग घर से बाहर तक निकलने में परहेज करते हैं देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती देवघर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती हो रही है इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को यूपी के मिर्जापुर में बुलाया गया है वहां पर 6 से 8 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया चलेगी देवघर एम्स के लिए यूपी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा है कि देवघर के गरीब बच्चों के साथ यह अन्याय है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने अधिकारियों डीसी देवघर को ताकिद करे कि यह भर्ती देवघर में ही हो बता दें विज्ञप्ति में लिखा गया है कि सभी स्थानीय युवाओं को सूचित किया जाता है कि सिक्योरिटी सोल्यूशन सर्विसेस में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती दिनांक छः सात और आठ अक्टूबर को मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में की जा रही है सबसे अनुरोध है कि वहां समय से पहुंचकर अपनी योग्यता को सुनिश्चित करें टाटानगर और पटना के बीच चलेगी तेजस एक्सप्रेस झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है खासकर टाटानगर से पटना की ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बता दें टाटानगर स्टेशन से लोग सेमी हाई स्पीड तेजस एक्सप्रेस में यात्रा कर सकेंगे इन ट्रेन से यात्री पटना का सफ़र मात्र सात घंटे में पूरा कर लेंगे इंडियन रेलवे कैटरिज एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अभी मुंबई दिल्ली एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर ही तेजस ट्रेन चला रहा है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की स्पीड भी अन्य ट्रेनों से ज़्यादा है इसलिए लोग तेजस एक्सप्रेस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं देवघर में खराब मौसम में भी विमानों की होगी लैंडिंग विजिबिलिटी कम होने से देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट के लैंड नहीं हो पाने की समस्या से, से निजात दिलाने पर काम शुरू हो चुका है जहां रनवे के पूर्वी क्षेत्र में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का सिविल वर्क चल रहा है इससे खराब मौसम में भी विमानों के लैंडिंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं होने से खराब मौसम के कारण अधिकतर विमानों को डाइवर्ट कर दिया जाता है लोहरदगा में पुलिस जवानों ने किया सामूहिक दुष्कर्म झारखंड के लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित सेरेंग दाग थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए बुधवार की अहले सुबह लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना में सेरेंग दाग पिकेट के दो जवानों पर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है हालांकि फिलहाल पुलिस मामले में दुष्कर्म की घटना होने की पुष्टि तो कर रही है परंतु किसी जवान के इस घटना में शामिल होने को लेकर पुलिस जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कर रही है सिमडेगा में हाथियों ने कई घरों को तोड़ा झारखंड के सिमडेगा जिले में हाथियों का उत्पाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है हाथियों का झुंड लगातार उत्पाद मचाते हुए बरसात में गरीबों के आसियानों को उजाड़ रहा है हाथियों को उत्पाद से ग्रामीण दशत में है बीती रात सदर प्रखंड के रंथू टोली में जंगली हाथियों के एक झुंड ने धावा बोलकर सुबह पाँच बजे तक खूब उत्पाद मचाया प्राप्त जानकारी के अनुसार हाथी यहाँ रात के एक बजे के करीब पहुँचे थे हाथियों की चिखार सुनकर ग्रामीण जागे और डर कर गाँव के पास पहाड़ी की तरफ भाग खड़े हुए सीएम हेमंत ने कबूतर उड़ाकर शांति का दिया संदेश अरगोड़ा मंडा मैदान में आयोजित रावण और लंका दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया वहीं रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई वहीं शानदार आतिशबाजी का नजारा सभी ने देखा इस अवसर पर सांसद संजय सेठ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी उपस्थित थे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें थैंक यू